दिलरास बानो बेगम, जिन्हें बीबी के नाम से जाना जाता है, यह सम्राट औरंगजेब की पहली और मुख्य पत्नी थी। इनकी डेथ के बाद इन्हें टाइटल दिया गया राबिया उद दौरानी, मतलब राबिया ऑफ द एज। यह टाइटल एक इराकी कुलीन महिला राबिया बसरी के नाम पर है, जो अपने परोपकार के लिए फेमस थी। औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है, जो काफी मिलता जुलता है ताजमहल से, इसे इनके पति औरंगजेब ने इनकी डेथ के बाद बनवाया था। दिलरास बानो बेगम सफाविद डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इनके पिता का नाम मिर्जा वादी उज जमान सफवी था, जो इस्माइल के वंशज थे। इनकी शादी सन 1637 में राजकुमार औरंगजेब से हुई। इतिहास कहता है कि औरंगजेब और दिलरास बानो की शादी उस समय की सबसे आश्चर्यजनक और असाधारण शादियों में से एक थी। अपने पांचवे बच्चे मोहम्मद अकबर को जन्म देने के एक महीने बाद दिलरास बानो बेगम की डेथ हो गई 1657 में। 1660 में यानी निधन के 3 साल बाद औरंगजेब ने ताजमहल की तर्ज पर अपनी पत्नी के लिए एक मकबरा बनाने का फैसला किया, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा की कल्पना ताजमहल के मुख्य वास्तुकार और मास्टरमाइंड उस्ताद अहमद लाहौरी के 3 पुत्रों में से एक अता उल्ला रसीदी ने की थी, जिन्हें शाहजहां द्वारा नादिर उल असर की टाइटल भी दिया गया था। तो जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी बीबी के लिए ताजमहल बनाया था, उसी प्रकार औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी को अमर करने के लिए बीबी का मकबरा बनाया था। ये औरंगाबाद में सिचुएटेड है और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ताजमहल की कॉपी है। तो बीबी का मकबरा बनाने में अताउल्ला रसीदी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।